आरबीआई के अनुमानों के मुताबिक दूसरी तिमाही में जीडीपी दर -8.6% सिकुड़ी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया हमला, बोले देश में पहली बार मंदी की मार, मोदी ने देश की ताकत को कमजोरी में बदल दिया। बीजेपी कार्यालय में बिहार के मुख्यमंत्री पद को लेकर पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान, बोले नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास के संकल्प को सिद्ध करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर का बड़ा बयान, बोले बिहार में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन की वजह से नहीं बनी महागठबंधन की सरकार, राज्य में AIMIM की एंट्री पर भी जताई चिंता। राष्ट्रपति चुनाव हारने के 4 दिन बाद व्हाइट हाउस से पहली बार बाहर पब्लिक में नजर आए डोनाल्ड ट्रंप, अभी भी अपने वोटिंग फ्रॉड के दावे पर बरकरार। दिल्ली में कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, पहली बार 24 घंटे में 8,500 से ज्यादा नए मामले आए सामने, 85 की गई जान। बीते कई दिनों से राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर जारी गुर्जर आंदोलन हुआ खत्म, सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बनी सहमति। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने किया ऐलान, 23 नवंबर में राज्य में खुलेंगे स्कूल, सरकार ने जारी की SOP। और UAE से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना हुई टीम इंडिया, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे T20 सीरीज और 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी।